PSA एक स्पेशल जो कानून है जो कि एक एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन में लगाया जाता है कि जब ये दिखता है कि क्योंकि जिस प्रकार का हमारा लीगल सिस्टम है उसमें उसके मद्देनज़र क्योंकि उसमें लंबा प्रोसेस रहता है कोई ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि रूटीन के कानून के द्वारा उनको कंटेन नहीं किया जा सकता तो उस समय जो लगाया जाता है तो ये एक ऐसा मैसेज दे रहा है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में हालात इम्प्रूव हो रहे हैं और PSA कम से कम लोगों को लग रहा है तो इसका अच्छी एक मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है। 2008 लैंड रो वाले अभी भी FIRs भुगत रहे हैं उनको लेकर कोई भी फैसला सरकार ने नहीं किया है लेकिन श्रीनगर में जो है एमनेस्टी स्कीम दे रहे हैं क्या ये जम्मू को भेदभाव नहीं है? 2008 के कौन सी बात कर रहे हैं? कौन लैंड रो? लैंड रो वाले उसमें ऐसा नहीं है। पिछले बार जब दिया गया था एमनेस्टी दी गई थी जो माफ़ी दी गई थी उनको भी दी गई थी और यहाँ से भी लोगों के काफ़ी जो है केसेस विड्रॉ हुए थे ये बिल्कुल स्पष्ट है लेकिन वो लोग जो कि जिनके ऊपर कानूनी तौर पर कोई केसेस चल रहे हैं कोई वायलेंस के केसेस हैं वो चाहे किसी के दौरान के हों चाहे 2010 के हैं या 2008 के हैं चाहे वो जो है आज के 2016 के हैं उनको कानून के दायरे में ही उनके बारे में जो है फैसला हो सकता है।